बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करने जा रहे हैं सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के हालात वाक़यात का, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम व मर्तबे का और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सब्र व इस्तक़लाल का। आपको बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी से जुड़े ईमान अफरोज़ वाक़यात भी सुनाएंगे जो आपका ईमान ताज़ा कर देंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, बिलाल इब्ने रबाह, जिनको बिलाल हबशी के नाम से जाना जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी थे। हबशी नस्ल के ग़ुलाम थे। मुशरिकीन मक्का ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम लाने की वजह से उन पर बहुत से जुल्म ढाए। उन मजालिम के बारे में सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। इसके अलावा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या भी अजीब है। दोस्तों, यही वो बिलाल हैं जिनके कदमों की आवाज़ सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में सुनी, और इन्हीं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़न ख़ास होने का शर्फ भी हासिल हुआ। आइए हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के वाक़े के साथ आगाज़ करते हैं। कहते हैं, ऐलान नबूवत के चंद रोज़ बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्का की एक गली से गुजर रहे थे कि उन्हें एक घर में से किसी के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार उस घर में दाखिल हो गए। देखा तो एक नौजवान, जो कि हबशा का मालूम होता है, चक्की पीस रहा है और ज़ारो कितार रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक ग़ुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियाँ चराता हूँ। शाम को थक कर जब घर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गंदम की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ कि मेरी भी क्या किस्मत है, मैं भी तो एक गोश्त पोस्त का इंसान हूँ। मेरा जिस्म भी आराम मांगता है, मुझे भी नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता। क्या मेरे मुकद्दर में सारी उम्र इसी तरह रो रो के ज़िंदगी गुजारना लिखा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे मालिक से कहकर तुम्हारी मुशक्क़त तो कम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह पर चक्की पीसता हूँ। वो ग़ुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जगह चक्की पीसते रहे। जब गंदम ख़त्म हो गई तो आप उसे जगाए बगैर वापस तशरीफ़ ले गए। दूसरे दिन फिर आप वहाँ तशरीफ़ ले गए और उस ग़ुलाम को सुलाकर उसकी जगह चक्की पीसते रहे। तीसरे दिन भी यही माजरा हुआ कि आप उस गुलाम की जगह सारी रात चक्की पीसते रहे और सुबह को खामोशी से अपने घर तशरीफ ले आए। चौथी रात जब आप वहाँ गए तो उस गुलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, आप कौन हो और मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हो? हम गुलामों से ना कोई डरता है और ना कोई फ़ायदा, तो फिर आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये सब इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं। उस गुलाम ने कहा कि आप कौन हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें इल्म है कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है? उस गुलाम ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद है अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनकर उस गुलाम ने कहा कि अगर आप ही वो नबी हैं तो मुझे अपना कलमा पढ़ाइए, क्योंकि इतना शफीक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो ग़ुलामों का भी इस कदर ख्याल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। दोस्तों, फिर दुनिया ने देखा कि उस गुलाम ने तकलीफ़ें और मुशक्क़तें बर्दाश्त की, लेकिन दामन मुस्तफ़ा ना छोड़ा। उन्हें जान देना तो गवारा था, लेकिन इतने शफीक और मेहरबान नबी का साथ छोड़ना गवारा ना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और मोहब्बत ने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेलौस ग़ुलाम बनाकर रहती दुनिया तक मिसाल बना दिया। मेरे दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन इसके बाद उन पर मजालिम के जो पहाड़ ढाए गए, उनका तज़किरा ही इंसान को हैरान परेशान कर देता है कि ये मजालिम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसे बर्दाश्त किए। आइए उन मजालिम का तज़किरा करते हैं। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आका उमैया बिन खलफ था, जो कुरैश का सरदार था, जो इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था। जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और कलमा तौहीद पढ़ लिया और उसका इल्म उसके आका उमैया बिन खलफ को हुआ, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तपती दोपहर में वादिय मक्का के झुलसाने वाले पत्थरों पर चित लिटा देता और एक भारी पत्थर उनके सीने पर रख देता और कहता, तुझे इसी तरह तड़पा तड़पा कर हलाक कर दिया जाएगा। अपनी खैरियत चाहता है तो मोहम्मद को छोड़ दे और लातो इज़्ज़ा की इबादत फिर से शुरू कर दे। लेकिन दोस्तों, वह इस खौफनाक तकलीफ़ में भी अहद अहद ही पुकारते रहते थे। बलाजरी ने हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत नकल की है। वो कहते हैं, मैं एक दफ़ा बिलाल के पास से गुज़रा, उन्हें अजियत दी जा रही थी। गर्मी की शिद्दत का ये आलम था कि अगर गोश्त का टुकड़ा उन तपते हुए पत्थरों पर रख दिया जाता तो वो भी भुन जाता, लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलसल कह रहे थे, मैं लातो इज़्ज़ा को रब मानने से इनकार करता हूँ। उमैया को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था,
और वो उन्हें बढ़ चढ़ कर पीट रहा था। वो उनके पास जाता और उनके हलक पर तान कर मुक्का मारता। वो बेहोश हो जाते, फिर होश आता तो उनके होंठों से अहद अहद ही का नारा बुलंद होता था। प्यारे दोस्तों, ज़रा इन मुजालिम का सोचें कि इस्लाम की खातिर इन हस्तियों ने कैसे कैसे जुल्म बर्दाश्त किए। लेकिन याद रहे कि ये लोग अल्लाह ताला के मुंतखब करदा लोग हैं, जिनको अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने का शर्फ बख्शना था। ये उन लोगों का पुख्ता ईमान ही था जिसके बायस उन्होंने हर तरह के मुजालिम तो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अपने ईमान और यकीन पर आँच ना आने दी। एक और रिवायत है जो बलाजरी ने हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से नकल की है कि मुशरिकीन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गर्दन में रस्सी डाल देते थे और बच्चों से कहते थे कि इसे ले जाओ और मक्का के पहाड़ों के दरमियान घसीटते फिरो। बच्चे इसी तरह करते मगर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहद अहद पुकारते चले जाते थे। और बलाजरी ही ने बयान किया है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़ुद बयान फरमाया, मुशरिकीन ने मुझे एक दिन रात मुसलसल प्यासा रखा, फिर इंतहाई गर्म दिन में गर्म पत्थरों पर लिटाकर अजियतें देते रहे। फिर दोस्तों, ये रिवायात बताती हैं कि मुशरिकीन ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने में कोई कसर बाकी न छोड़ी थी। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ढाए जाने वाले इन्हीं मजालिम के हवाले से एक वाक़या आपके गोश गुजार करते हैं जो एक दर्दनाक वाक़या है। कहते हैं, अबू जहल ने दावा किया कि मैं बिलाल को ऐसी सज़ा दूंगा कि वो मजबूर होकर मोहम्मद का कलमा छोड़ देगा। तो उमैया बिन खल्फ ने अबू जहल से कहा, ये तुम्हारी भूल है दोस्त, ये सज़ाएँ तो इस काले पहाड़ के लिए लज्जत का बायस बन चुकी हैं। मैंने किसी काली औरत के बच्चे को इससे बढ़कर सब्र करने वाला नहीं पाया, तुम इसके साथ क्या करोगे? अबू जहल तकबुराना लहजे में बोला, आज शदीद गर्मी का दिन है, सूरज की इस तपिश में इसे लोहे की ज़िरह पहनाऊँगा, फिर मक्का की पथरीली ज़मीन पर धूप में सुलाऊँगा। वो ये सज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, आखिर इंसान है, कोई पत्थर तो नहीं कि पिघल ना सके। और अबू जहल अपने शैतानी मनसूबे को अमल में लाने के लिए उठ खड़ा हुआ। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बांध कर लाया गया, फिर उन्हें एक जगह गर्म रेत पर लिटा दिया गया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेड़ियों में बंधे हुए बेबसी से गर्म रेत पर तड़पते रहे। चिलचिलाती धूप की गर्म और तेज़ शुआएँ तीरों की तरह जिस्म को छलनी कर रही थीं। सूरज उन्हें डसता रहा, बहता पसीना उनकी आँखों में पड़ता रहा। तकलीफ़ की कोई हद नहीं थी, लेकिन अल्लाह के दीन की मोहब्बत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत कि ये दुनिया तो एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है, इस आजमाइश और इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले को हमेशा हमेशा के लिए जन्नत मिलेगी, जहां माजी का ना कोई पछतावा होगा ना मुस्तकबिल का कोई अंदेशा। और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जन्नत को हासिल करने के लिए सब्र की हर इंतहा को पार करने का तहैया किए बैठे थे। उधर उमैया और अबू जहल कुछ देर बाद वापस आए। उनका ख्याल था कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज ज़रूर उनसे माफ़ी मांग कर इस अजाब से छुटकारा पाने की भीख मांगेंगे। अबू जहल और उसके साथ ही एक पूरी जमात बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान से माफ़ी के अल्फाज सुनने के लिए उनके करीब आई। जो ही बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र उन पर पड़ी, वो अपनी तकलीफ़ भूल गए। खुदा के दुश्मनों को देखकर उनकी कुव्वत बर्दाश्त एक मरतबा फिर अपनी इंतहा को पहुंच गई। इस दौरान में अबू जहल उन पर झुका हुआ बोला, बिलाल अब सुनाओ कैसे हो? अहद अहद। अबू जहल को यूँ मालूम हुआ कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके चेहरे पर मक्का की तपती हुई रेत फेंक दी है। उसका रंग बदल गया, सीना तंग हो गया। एक ज़ोरदार तमाचा बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुँह पर दे मारा और चीखा, ऐ काली औरत के बच्चे, तुम अभी तक अपनी सरकशी पर कायम हो? ये कहकर उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। चंद कदमों के फासले पर एक बड़ी सी चट्टान नज़र आई। उसकी आंखों में फिर शैतानी चमक आई। लोगों को मुखातिब करके बोला, चलो ये चट्टान इस हकीर गुलाम के सीने पर रख दो। लोगों ने मिलकर भारी भरकम चट्टान हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर रख दी। बोझ से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म और भी शिद्दत से दुखने लगा, लेकिन उनके अज़म और हौसले में भी इसी नस्बत से इजाफा हुआ। वो धीमी आवाज़ में आहद आहद का तौहीदी नगमा गुनगुनाने लगे। दर्द हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। पत्थर के बोझ से सांस भी मुश्किल से आ रहा था, आवाज़ भी सही तरह नहीं निकल रही थी। थोड़ी ही देर में वो कराहने लगे। बेरहम उमैया और अबू जहल इस मंज़र से लुत्फानंदोज़ होने लगे। वो देख रहे थे कि अब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहद नहीं कह सकते, बल्कि दर्द अंगेज़ आवाज़ें निकाल रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि ये आवाज़ें भी बंद हो गईं, और कुछ लम्हों बाद उनके होंठ कुछ कहने के लिए हिले, मगर उनके कानों में कोई आवाज़ ना आई। ये मंज़र देखकर उनके कान खड़े हो गए। सोचने लगे कि कहीं बिलाल के होंठों पर मोहम्मद और उसके दीन से बेजारी के कलमात तो नहीं निकल रहे। इस इश्तियाक में वो फ़ौरन करीब आए और कान लगाकर उनके होंठों से निकलने वाले अल्फाज सुनने लगे। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतहाई धीमी और आहिस्ता सी आवाज़ में कह रहे थे, आहद आहद, ये लोग मुझे कत्ल भी कर देंगे तो मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराऊँगा। ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब, ऐ यूनुस अलैहिस्सलाम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के रब, मुझे नजात दे और फिर आजमाइश में ना डाल।
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے۔ دونوں کافروں کے لیے یہ منظر برداشت سے باہر تھا۔ وہ تو اس غلط فہمی میں تھے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے التجا کرے گا، مگر وہ اس خدائے واحد کو پکار رہے تھے جس کا نام لینے کے جرم میں وہ سینے پر پہاڑ اٹھائے ہوئے تھے۔ دوستو، ابو جہل بھی ابو امیہ کی اس بات کا قائل ہو چکا تھا کہ اس غلام کو قتل کر دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیا، پورا مکہ جانتا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام قبول کرنے کے جرم میں کیا قیامت گزر رہی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ امیہ اور ابو جہل بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اسی لمحے اس کی طرف لپکے، مکہ کی گرم دوپہر ان کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، اور وہ اپنے اللہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدد کی دعا کرتے ہوئے تیزی سے قدم بڑھا رہے تھے۔ جلدی وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا گیا تھا، اور کافر ایک چٹان کے سائے تلے بیٹھ کر ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر انہیں بنو امیہ اور اس کے ساتھیوں پر شدید غصہ آیا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ ظلم اکیلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پر نہیں ہو رہا، بلکہ ہر کمزور مسلمان پر زمین تنگ ہو رہی ہے، اور تو اور کفار تو اچھے خاصے اثر و رسوخ والے نو مسلموں پر بھی قیامت ڈھا رہے ہیں۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ بلا کر امیہ کی طرف بڑھے اور غصے سے بولے، امیہ، تم کب تک اس بے قصور غلام کو اذیت دیتے رہو گے؟ وہ چمک کر بولا، تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ بلال میرا غلام ہے، میں جو چاہوں گا اس سے سلوک کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعصب سے بھری آواز میں کہا، کیا اس بیچارے کے بارے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بس رہنے دو، اپنی یہ نصیحتیں تمہاری ہی وجہ سے اس حال کو پہنچا ہے، یہ تم ہی نے اسے بگاڑا ہے۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، میں نے تو اسے سیدھے راستے کا پتہ بتایا تھا۔ اچھا خیر، جو بھی ہو اب تم اپنا راستہ ناپو۔ نہیں، میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جھیلوں گا جب تک تم اسے چھوڑ نہیں دیتے۔ ہم تو اسے چھوڑنے والے نہیں، یا یہ مر جائے گا یا اپنے دین میں واپس آ جائے گا۔ تو پھر جان لو امیہ، یہ روشنی دیکھنے اور ہدایت پانے کے بعد تاریکی اور جہالت کی طرف نہیں پلٹے گا، یہ مر جائے گا اور تمہیں ایک غلام کی قیمت جتنا نقصان ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دکھتی رگ یعنی مال پر ہاتھ رکھا، لیکن میں یہ کیسے گوارا کر لوں کہ یہ میرا کھائے، میرا پہنے اور میرے ہی خداؤں کو برا بھلا کہے اور ان کا انکار کرے؟ تو پھر ایسا کرو، اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ آپ خریدیں گے اسے؟ وہ بے یقینی سے بولا، ہاں خریدوں گا۔ کیا قیمت ادا کرو گے؟ جتنی تم چاہو گے، 5 اوکیہ سونا۔ میاں نے اپنی طرف سے کئی گنا زیادہ قیمت مانگی تاکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو جائیں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے منظور ہے، یہ رقم بیانے کے طور پر لو اور اس غلام کو چھوڑ دو۔ امیہ نے بے یقینی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور حیرت سے یہ کہے بغیر نہ رہ سکا، اے ابو بکر، تم بلا شبہ ہمارے ہاں کے معزز شخص ہو، خدا کی قسم تم ایک اوکیا بھی کہہ دیتے تو میں لے لیتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، اگر تم بلال کے بدلے 100 اوکیا سے زیادہ بھی مانگتے تو میں وہ بھی ادا کرنے پر آمادہ ہو جاتا اور بلال کو آزاد کروا لیتا۔ یہ کہہ کر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے اور ان کے سینے پر رکھی چٹان ہٹانے لگے۔ شرم کے مارے کچھ اور لوگ ان کی مدد کو آئے اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھا ہوا پتھر ہٹ گیا۔ وہ اب آزاد تھے، ہر قسم کی غلامی سے آزاد۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام لیا اور انہیں سہارا دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے چلے۔ راستے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آپ نے اگر مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے پاس رہوں گا، لیکن اگر اللہ کے لیے خریدا ہے تو مجھے اللہ کے کام کے لیے چھوڑ دیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اذیت سے ان کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے، لیکن آنکھوں کی چمک ظلم سے آزادی کی تمانیت بھی ظاہر کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر، کیا تم نے بلال کو خرید لیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان بے نیازی سے بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آزادی فوری ظلم سے رہائی کا باعث تو بن گئی، مگر زندگی ایک نئی آزمائش کی سختیاں لے کر ان کے سامنے آ گئی۔ جس آزادی کے وہ خواب دیکھا کرتے تھے اس کی قیمت ادا کرنا انہیں مشکل لگ رہا تھا۔ دراصل بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا جس سے وہ کاروبار کرتے، کوئی گھر نہیں تھا جس میں وہ سر چھپاتے، کوئی رشتہ دار نہیں تھا جس کا وہ سہارا لیتے۔ امیہ ایسے ہی نہیں کہتا تھا کہ جو لباس، جو رہائش اور جو طرح طرح کے کھانے اسے میسر ہیں وہ جب نہیں ہوں گے تو پھر تمہیں میری اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ البتہ اس موقع پر پھر مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن شفقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو آیا اور ان کے لیے کھانے پینے،
پہننے اور رہنے کا انتظام ہو گیا۔ یہ انتظام اگرچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کسی عظیم نعمت سے کم نہیں تھا، لیکن بہت جلد قریش مکہ کے عدم تعاون کے باعث مسلمانوں کی حالت پتلی ہو گئی، نوبت فاقوں پر آ گئی۔ خاص طور پر جب قریش نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کیا اور انہیں شیب ابی طالب میں محصور کر دیا، تو یہ لوگ زندہ رہنے کے لیے کچھ نوالوں کو بھی ترس جاتے۔ بڑی مشکل سے جان اور جسم کا رشتہ قائم رکھا گیا۔ آخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ قریشی رشتہ داروں کی مداخلت سے یہ بائیکاٹ ختم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو کچھ آسانی ہوئی۔ یاد رہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ ساری تکالیف برداشت کی۔ اس کے کچھ عرصے بعد جب کفار کا ظلم اور بڑھا تو مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ یہ ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ہی کی گئی، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجرت میں شامل نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے ان کے پاس اس کے وسائل ہی نہیں تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ کفار کے تانے، گالیاں، بدتمیزیاں اور ظلم برداشت کر رہے تھے، لیکن وہ اس پہلو سے خوش تھے کہ ظلم کی یہ آندھی ان دنوں سے تو بلا شبہ کم ہی تھی جس کا سامنا انہیں غلامی کے دور میں تھا۔ اس دوران میں قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ تسلی اور بشارت دی جا رہی تھی کہ بہت جلد ان کی آزمائش ختم ہونے والی ہے اور کفار کی سرکشی اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والی ہے۔ اسی طرح ظلم کے 13 سال ایک ایک کر کے بیت گئے۔ مسلمانوں پر اگرچہ ان برسوں کا ہر لمحہ ایک ایک صدی پر بھاری تھا، مگر اللہ کے بخشے ہوئے صبر اور ایمان کی طاقت نے انہیں اس آزمائش میں سرخرو کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھ بھری داستان کہ کیسے غلامی کے دور میں ان پر مظالم ڈھائے گئے اور آزاد ہونے کے بعد کے مکی دور میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کسی آزمائش سے کم نہ تھی۔ پیارے دوستو، یہاں تک تو تذکرہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا اور اسلام لانے کے بعد کے حالات کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سعادت کا جو آپ کو اسلام کا پہلا مؤذن ہونے کی صورت میں حاصل ہوئی۔ دوستو، دنیا کے گوشے گوشے میں ہر روز 5 مرتبہ اذان کی آواز بلند ہوتی ہے جو 1400 سال سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ آج بھی اس آواز کے الفاظ و کلمات وہی ہیں اور ان میں ذرا بھر بھی فرق نہیں آیا۔ ان کلمات کو روئے زمین پر سب سے پہلے بلند کرنے کی سعادت جس کے حصے میں آئی وہ نہ تو کوئی با اثر شخص تھا اور نہ ہی دولت مند اور نہ ہی بہت خوبصورت کہ جس کے حسن کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے، بلکہ وہ ایک حبشی غلام تھا جس کا رنگ سیاہ، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن اس کا دل بے حد حسین تھا۔ سیاہ رنگت رکھنے والا یہ غلام، جسے اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کا پہلا مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پھر دوستو، آئیے آپ کو اذان کی ابتدا کا واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اذان کی ابتدا کا یہ واقعہ ایک ایمان افروز اور دلچسپ واقعہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر اور مواخات سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا کریں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہ فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ بگل بجا دیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ ناکوس بجا کر اعلان کر دیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جایا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو بھی پسند نہ فرمایا اس لیے کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ ایک شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر گشت لگا لیا کرے، چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناکوس یا جسے بگل کہتے ہیں وہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا، کیا تم یہ ناکوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا، کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا، تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو، اور اس نے اذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی، پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ سچا خواب ہے، تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو،
ताकि वो उनके ज़रिए अजान दें। उनकी आवाज़ तुमसे बुलंद है और ज़्यादा दिलकश भी है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के पास आए। उन्होंने कलमात सीखने पर सुबह की अजान दी। इस तरह सबसे पहले अजान फजर की नमाज के लिए दी गई। दोस्तों रिवायात में आता है कि जूँ ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की अजान गूंजी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के कानों में ये अल्फाज पड़े, वो जल्दी से चादर संभालते हुए उठे और तेज़ तेज़ चलते मस्जिद नबवी में पहुँचे। मस्जिद में पहुंचकर उन्हें हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के ख्वाब के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, मैंने भी बिल्कुल यही ख्वाब देखा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबानी ख्वाब की तस्दीक सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद पाँचों वक्त की नमाज़ों के लिए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अज़ान देने लगे। इन पांच नमाज़ों के अलावा किसी मौके पर लोगों को जमा करना होता, मसलन सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हो जाता या बारिश तलब करने के लिए नमाज पढ़ना होती तो वो असलात जामिया कहकर ऐलान करते थे। दोस्तों याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मौज़ून रहे। उनकी गैर मौजूदगी में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अज़ान देते थे। यार दोस्तों ये था तज़किरा अज़ान की इब्तदा का। रिवायात में आता है कि बाज़ यहूदियों ने ताना दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ून ऐसा रखा है जिसे शीन और सीन की तमीज़ नहीं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को अज़ान देने से मना कर दिया। और जब बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान ना दी तो उस रोज़ सुबह ही नहीं हो रही थी। फिर सहाबी ने बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर होकर रात के हवाले से अर्ज़ किया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और फरमाया, जब तक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अज़ान नहीं देंगे सुबह नहीं होगी। तो फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान दी तो सुबह हुई। और यह भी बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल का सीन भी अल्लाह ताला के नज़दीक शीन है। दोस्तों याद रहे कि ये वाक़या मुस्तनद कुतुब अहादीस में मौजूद नहीं है और इस ज़मन में जो हदीस बयान की जाती है वो मुहद्दिसीन के नज़दीक मनघड़त और बेअसल है। इसलिए चाहिए कि ऐसे वाक़यात अगर कोई बयान करे तो उसको बता दिया जाए कि ये वाक़यात दुरुस्त नहीं है। हालांकि इस वाक़े को आपने शायरी में और कवाली में भी सुना होगा। कवालों ने यह किस्सा अपने से घड़ लिया है और कवाली में यूँ कहते हैं कि बिलाल ने जब तक अजान फजर न दी कुदरत खुदा की देखिए न मुतलक सहर हुई। याद रहे कि अक्सर कवालियाँ मनघड़त वाक़यात पर गाई जाती हैं और ये लोग जाहिल तबके में शिरकिया अकायद को फैलाते हैं। ऐसी कवालियाँ सुनने से भी इज्तनाब करना चाहिए। आपको बताते चलें कि जिस वाक़े से इन लोगों ने ये वाक़या घड़ लिया है वो असल वाक़या इस तरह से है जो कि सही बुखारी की रिवायत में बयान हुआ है। रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी क़तादा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बाप से कहा, हम खैबर से लौटकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात में सफ़र कर रहे थे। किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अब पड़ाव डाल देते तो बेहतर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे डर है कि कहीं नमाज के वक्त भी तुम सोते ना रह जाओ। इस पर बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बोले कि मैं आप सब लोगों को जगा दूंगा। चुनाचे सब लोग लेट गए और बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपनी पीठ कजावे से लगा ली और उनकी भी आँख लग गई। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो सूरज के ऊपर का हिस्सा निकल चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तूने क्या कहा था? वो बोले, आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी अरवाह को जब चाहता है कब्ज़ कर लेता है और जिस वक्त चाहता है वापस कर देता है। ऐ बिलाल उठ और अजान दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और जब सूरज बुलंद होकर रोशन हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और नमाज पढ़ाई। बहवाला सही बुखारी हदीस नंबर 595। प्यारे दोस्तों इस हदीस में वाज़े अल्फाज मौजूद हैं, जब सूरज बुलंद होकर रोशन हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और नमाज़ पढ़ाई। इस रिवायत में कहीं भी ये बात मौजूद नहीं है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान नहीं दी तो सहर नहीं हुई। और आपको ये भी बताते चलें कि आप रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान की लुकनत के हवाले से जो बात है वो भी दुरुस्त नहीं है। प्यारे दोस्तों मज़कूरा वाक़यात हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के मौज़ून होने के हवाले से थे। याद रहे कि बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास खादिम भी थे। आपको बताते चलें कि आपके वालिद का नाम रबाह और वालिदा का नाम हमामा था। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु उन पहले सात खुशनसीब अफराद में से हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। रिवायात बताती हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बेहद अज़ीज़ रखते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का काम काज, सौदा सलफ लाना, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के आराम का ख्याल रखना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ही सरंजाम देते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के पानी का इंतज़ाम, उसकी निगरानी भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ही के सुपुर्द थी। दुख हो या सुख, क़याम हो या सफ़र, अमन हो या जंग, गर्ज हर हालत में बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहते थे।
اور سفر و حضر میں اذان کے فرائض بھی آپ ہی کے ذمے ہوتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں کوہرام برپا تھا۔ اشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نڈھال تھے، مرد اور عورتیں زارو قطار رو رہے تھے۔ انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیو، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرا دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں نہ رہ سکے، کیسے رہتے؟ مسجد نبی کا ہر گوشہ، حجروں کا ایک ایک دروازہ انہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم کی تاب نہ لا سکے اور آخر کار مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب چلے گئے۔ تقریباً ایک سال بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا۔ لبیک یا سیدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلام حاضر ہے، کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات سفر کرتے ہوئے جب مدینہ منورہ کی پرکیف اور نورانی فضاؤں میں داخل ہوئے، دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی تھی۔ بے قراری کے عالم میں سیدھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور روضہ انور پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلام کو حلب سے بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے ہیں۔ روتے روتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئے اور قبر انور کے قریب گر گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا شہرہ ہو چکا تھا۔ ہر طرف شور تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو دیکھا ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش میں آنے کے بعد لوگوں کی منت سماجت شروع ہو گئی۔ لوگ التجائیں کرنے لگے، اے بلال، ایک دفعہ پھر وہی درد بھری اذان سنا دو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کر سب سے معذرت کی، بھائیو، یہ میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب میں پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اذان دیا کرتا تھا اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا کرتا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب پردے میں چھپ گئے، اب بتاؤ کہ اذان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیوں کر ہوگا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے رائے دی اور فرمایا کہ کسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ، اگر یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور مان جائیں گے، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے بے حد محبت ہے۔ چنانچہ ایک صحابی گئے اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور کہا، تم تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہو، تم جو کہو گے وہی ہوگا۔ اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹ گئے تو روضہ انور میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں تو روزانہ پنج وقتہ اذان ہوتی تھی اور لوگ اذان سن کر فرض کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آتے ہی تھے، لیکن مہینوں کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی پرسوز آواز مدینہ کی فضاؤں میں گونجی تو اہل مدینہ کے دل دہل گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا۔ لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبی کی طرف دوڑ پڑے، ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا، عورتیں بچے سبھی مضطربانہ گلیوں میں نکل آئے۔ آج لوگوں کے قدم مسجد نبی کی جانب عجیب والہانہ انداز سے اٹھ رہے تھے۔ مسجد نبی میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا ہی جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ دوسری مسجدوں کے نمازی بھی آج مسجد نبی میں آ گئے ہیں۔ جو شخص بھی مسجد نبی میں داخل ہوتا اس کی نظریں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متلاشی تھیں۔ بچوں نے بھی اس مؤذن کو دیکھ لیا جس کی آواز مدینہ کی آبادی کو بے خود کر کے مسجد نبی میں لے آتی تھی۔ بچے اپنی ماؤں سے پوچھ رہے تھے، امی جان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن بلال تو آ گئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب مدینہ تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اشہد ان محمد الرسول اللہ زبان سے ادا کیا، ہزارہا چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئیں جس سے فضا دہل گئی۔
बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की नज़रें बे अख्तियार मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठ गईं। आह, मिंबर खाली था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना हो सका। बेचैनी बढ़ गई, ज़ब्त के बंधन टूट गए। ग़म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताब ना ला सके और बेहोश हो गए। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या भी अक्सर सुना और बयान किया जाता है, लेकिन आपको बताते चलें कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की आखिरी अज़ान के बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। बाज़ ने कहा कि आप रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने आखिरी अज़ान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के दौर में दी, और बाज़ ने कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के दौर में आपने आखिरी अज़ान दी है, जबकि बाज़ इसके कायल हैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अज़ान नहीं दी। वल्लाहु आलम। अलबत्ता इस वाक़े के बारे में आपको बताते चलें कि इस किस्से को हाफिज़ ज़ाहबी इब्ने अब्दुल हादी, मज़ी इब्ने कसीर, इब्ने हजर अस्कलानी वगैरह ने ज़ईफ़ और मुनकर वाही बल्कि मौजू करार दिया है, क्योंकि सनद में कई रिवायात मजाहिल हैं जिनका अता पता मालूम नहीं। लिहाजा इस वाक़े की सेहत के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए और हमें दूसरों को भी इस बारे बताना चाहिए। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि इस वाक़े के कुछ अरसे बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से रुखसत हुए और वापस शाम चले गए, जहाँ 20 हिजरी 641 ईस्वी को आप रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सफ़र हयात मुकम्मल कर लिया। आप रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को दमिश्क में बाबुस सगीर के करीब दफन किया गया। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बाज़ वाक़यात दुरुस्त भी हैं, लेकिन इनमें कुछ वाक़यात मुस्तनद नहीं हैं, क्योंकि उनके रावी या तो काबिल एतबार नहीं हैं या काज़िब हैं, या उनका अता पता नहीं। जो वाक़यात दुरुस्त हैं वो सही रिवायात में और अहादीस की सही कुतब में बयान हुए हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का जन्नत में चप्पलों की चाप के हवाले से वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएं, जो कि सही रिवायत में यूँ बयान हुआ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फजर की नमाज के बाद बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, तुम्हें अपने जिस इस्लामी अमल से सबसे ज़्यादा उम्मीद खैर व सवाब हो वो मुझे बतलाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे चप्पलों की चाप जन्नत में अपने आगे आगे सुनी है। मतलब ये है कि रात मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं जन्नत में चल फिर रहा हूँ और आगे आगे तुम्हारे कदमों की आहट सुन रहा हूँ, तो मैं दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे किस अमल की बरकत है। लिहाजा तुम मुझे अपना वो अमल बताओ जिसे तुम्हें सबसे ज़्यादा सवाब और रहमत की उम्मीद हो। बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मुझे अपने अमाल में सबसे ज़्यादा उम्मीद अपने इस अमल से है कि मैंने रात या दिन के किसी वक्त में जब भी वज़ू किया तो उस वज़ू से मैंने नमाज ज़रूर ही पढ़ी है, जितनी नमाज की भी मुझे अल्लाह ताला की तरफ से उस वक्त तौफीक मिली। बहवाला सही बुखारी और सही मुस्लिम। इस हदीस की शरह में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के फरमान के मैंने दिन रात की जिस घड़ी भी वज़ू या गुसल किया तो उस कदर नमाज पढ़ ली जो मेरे मुकद्दर में थी की वजाहत करते हुए मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी दिन रात में जब भी मैंने वज़ू या गुसल किया तो दो नफल तहियतुल वज़ू पढ़ लिए, मगर ये बात याद रखने की है कि यहाँ औकात गैर मकरूह में पढ़ना मुराद है। और फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से ये पूछना इसलिए था ताकि आप ये जवाब दें और उम्मत इस पर अमल करे। आपको बताते चलें कि यह वाक़या सही रिवायात में मौजूद है, इसलिए इसके बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्त आपकी तवज्जो एक और वाक़े की जानिब मबज़ूल कराते चलें, जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट की नुकेल पकड़कर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने के हवाले से है। वाक़या यूँ बयान किया जाता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बिलाल, तुम जन्नत में सबसे पहले जाओगे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे भी पहले? फरमाया, हाँ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्यों? सारे पैगम्बरों के आगे आगे आप होंगे, सारे वलियों के सरदार आप होंगे। सरकार ने फरमाया, तुम मेरे ऊँट की नुकेल पकड़कर चलते रहोगे, मैं तुम्हें देखता रहूँगा और तुम मुझे देखते रहोगे, जन्नत का रास्ता तय होता रहेगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि फतावा शरह बुखारी में इस वाक़े को भी फ़र्ज़ी बतलाया गया है और ये वाक़या भी सही रिवायात में मौजूद नहीं है। इसके अलावा एक और वाक़या हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से यूँ बयान हुआ है। कहते हैं, शब मेराज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरिश्तों के झुरमट में अलम अल मलकूत की सैर फरमाते हुए जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ़ ले गए तो एक जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हूर को रंजो गम में मुब्तला देखा और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये हूर क्यों रो रही है? आखिर इसको कौन सा दुख सता रहा है? जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया तो उस हूर ने अर्ज़ की कि मैंने इसलिए अपना ये हाल बना रखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भरी निगाहें मुझ पर भी पड़ी और फिर अपना हाल अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँ। जब हूर को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर हाल अर्ज़ करने की सआदत मिल गई तो उसने झुककर सलाम अर्ज़ करने के बाद अपनी सरगुजश्त सुनाई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत की हूरों में हुस्न और जमाल की मलका बनाया, अगर मैं बेनकाब हो जाऊँ तो देखने वालों की आँखें खैरा हो जाएँ और जन्नत में दोपहर का उजाला हो जाए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाक़या है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि बरोज़ क़यामत हर हूर को किसी न किसी जन्नती शख्स के हवाले किया जाएगा, मेरा भी कोई ज़रूर साथी होगा। बिलाखिर मैंने खालिक़े कायनात की बारगाह में अर्ज़ की कि तेरा बेहद एहसान के तूने मुझे हूरों की मलका बनाया है, अब मेरी ख्वाहिश है पूरी कर दे कि जन्नत में मेरा साथी कौन सी हस्ती होगी। रहमतों का दरिया जोश में आया और मेरी इल्तजा कबूल हुई। हुक्म हुआ, सामने जो आईना रखा है उसे एक नज़र देख लो, तेरे साथी की झलक नज़र आ जाएगी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं दीवाना वार आईने की तरफ बढ़ी ताकि अपने साथी की झलक देख सकूं, यूं ही निगाह उठाई, दिल पर एक बिजली गिरी और आरज़ुओं का सारा तसव्वुर जल गया। उस वक्त से आज तक बेचैन हूं और इस गम की वजह से रो रही हूं कि सियाह फाम के साथ मेरा क्यों जोड़ा बनाया गया और मैं किस तरह दायमी ज़िंदगी उसके हमरा बसर करूँगी, जबकि उसका तसव्वुर ही मेरे लिए वहशतनाक है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए दरियाफ़्त फरमाया, अपने साथी का जो सरापा तूने आईने में देखा है उस बारे में कुछ बयान करो। उसने अर्ज़ की कि सर ता पाँव मुजस्सम स्याही, मोटे होंठ, चौड़े दांत, भद्दा चेहरा, तंगो तारीक पेशानी, छोटी छोटी आँखें। जैसे ही हूर ने अपने रफ़ी के जन्नत के बारे में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना शुरू किया और होलिये के बारे में बयान समाप्त फरमाया, तो सरकार ने सर मुबारक उठाया और जलाल से देखते हुए फरमाया, तूने जो सरापा बयान किया है वो तो मेरे प्यारे बिलाल का है। एक आशिक रसूल का सरापा एक वफ़ादार, एक गोहरे नायाब को पाकर अपनी कम नसीबी का शिकवा कर रही है। क्या तुझे नहीं मालूम कि बिलाल मेरा आशिक है? मैंने उसे अपनी पलकों के साए में पनाह दी। मेरा बिलाल ऐसी शान वाला है कि बरोज़ क़यामत उसके जिस्म की स्याही हुराने जन्नत के रुखसारों पर तिल बनाकर तकसीम कर दी जाएगी। वो ऐसा आशिक है कि उस पर इश्क ही की वजह से हर आसाइश ने मुँह फेर लिया है। अपने हुस्न व जमाल का गुरूर ना कर हो सकता है तो 70,000 नकाब उलट कर मेरे बिलाल के सामने आए और मेरा बिलाल तुझे ना पसंद कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनकर हूर इस तराबे शौक की वजह से चीख उठी और अर्ज़ गुजार हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माजरत कबूल फरमाएं, मेरा गमो अलम शिकवा शिकायत जाते रहे हैं, मुझे वही बिलाल पसंद हैं। मेरी खुशनसीबी थी कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक ज़ार मेरे हिस्से में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी माजरत कबूल फरमाते हुए दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। प्यारे दोस्तों, ये थे चंद वाक़यात हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी और शान व मरतबे के हवाले से, जिनमें से चंद वाक़यात की सेहत के हवाले से भी आपको आगाह किया गया, जो कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मंसूब तो हैं लेकिन इन वाक़यात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, वो मनगढ़ंत हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुख्तलिफ़ ग़ज़वात में भी शिरकत फरमाई है और अल्लाह की शान देखिए कि जंग बदर में उमैया बिन खल्फ़ को हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही ने चंद अंसारियों की मदद से कत्ल किया था, वही उमैया बिन खल्फ जिसके आप गुलाम थे और जिसने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मुजालिम के पहाड़ ढाए थे। उमैया बिन खल्फ के कत्ल का वाकया यूं बयान हुआ है, कहते हैं ग़ज़वा बदर में 16 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी की शाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और उन्हें जंग के बारे में ज़रूरी हिदायत दी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में तशरीफ़ ले गए। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे कबल मैंने कभी इतना खामोश और इस कदर गुमसुम नहीं देखा था। उसी रात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम फ़ौज की फ़तह और नुसरत के लिए सरबसजूद रहे। 17 रमज़ान मुबारक को सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बुलंद मकाम पर खड़े होकर मुसलमान फ़ौज को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से मुतला किया। फिर एक ऐसी जंग हुई कि तलवारें आपस में टकराईं और लाशें ज़मीन पर गिरते देखे गए। सारा दिन मारका जारी रहा और बिलाखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फ़तह और नुसरत से नवाजा। इस जंग का आगाज़ ही मुशरिकीन के लिए नहायत बुरा हुआ कि पहले ही हमले में उनके 3 सूरमा मौत के घाट उतर गए और उतबा बिन रबिया जैसा रईस से मक्का और बहादुर शख्स अपने भाई शैबा और बेटे वलीद के साथ खाको खून में तड़प रहा था। ये कुरैश के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, इससे सारे लश्कर के पाँव उखड़ गए। वैसे भी उतबा तमाम लश्कर का सिपाही सालार था और सिपाही सालार का कत्ल हो जाना पूरे लश्कर की शिकस्त होती है, लेकिन इन तीनों की मौत के बाद अबू जहल मौके की नज़ाकत देखते हुए मैदान में कूद पड़ा और अपने लश्कर को झूठी तसल्लियाँ देता रहा। वो अपने इन तसल्लियों से लश्कर को भागने से बचाना चाहता था। उसकी ये तदबीर कामयाब रही और कुरैश के पांव जम गए। उनके हौसले पस्त ना हुए, एक तरफ अपनी कसरत तादाद और असलहे पर भरोसा था और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद। चुनाचे मुसलमानों ने जब अबू जहल की इस जोश दिलाने वाली तकरीर से कुफर को बिफरता हुआ देखा तो वो अल्लाह ताला के हजूर में गिड़गिड़ाकर दुआएं करने लगे, जिसको कुरान पाक में यूं बयान किया गया है
वो वक्त याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे और तुम्हारे रब ने तुम्हारी फरियाद को सुन लिया। सहाबा रिजवानुल्लाह अजमाइन बारगाहे अलवहियत में गिड़गड़ा रहे थे और ज़मीन व आसमान का मालिक उनकी दुआओं को सुन रहा था। कहते हैं सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमैया के पुराने दोस्त थे। जब वो हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो उस वक्त उनका उमैया बिन खल्फ से एक कारोबारी मुआहदा हुआ था। वो ये कि मदीना तैयबा में वो उमैया के माल की हिफाजत करेंगे, जबकि सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो माल मक्का में रह गया है उसकी हिफाजत का ज़िम्मेदार उमैया बिन खल्फ होगा। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उमैया को मैदान बदर में देखा तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि उमैया कत्ल ना हो बल्कि गिरफ्तार हो जाए, शायद इस बहाने से उसे हिदायत का रास्ता मिल जाए। चुनाचे जब मुसलमान जंग में मसरूफ़ थे और काफिर मुसलमानों के हाथों गाजर मूली की तरह कट रहे थे और कुरैश के बड़े बड़े सरदार जो असातीने कुरैश कहलाते थे कत्ल किए जा चुके थे, तो सैयदना अब्दुर्रहमान नज़र बचाकर उमैया बिन खल्फ और उसके बेटे को एक पहाड़ी पर ले गए। इत्तेफाक से सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको देख लिया। उन्होंने फौरी तौर पर अंसार को बताया, वो उसके पीछे दौड़े। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमैया के बेटे को उन अंसार मुजाहिदीन के आगे कर दिया। अंसार ने उसे कत्ल कर दिया, लेकिन अंसारी मुजाहिदीन और सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असल हदफ तो उमैया बिन खल्फ था, लिहाजा उसको छोड़ देना उनको गवारा ना था। कहा जाता है कि उमैया भारी भरकम आदमी था, दौड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो बैठ गया और सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गए। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बताते हैं कि मैंने उमैया से कहा कि तुम बैठ जाओ, वो बैठ गया और मैं उसके ऊपर औंधा पड़ गया ताकि उसकी जान बच जाए, लेकिन अंसार ने उस हालत में पाँव के नीचे तलवारें चलाकर उसको कत्ल कर दिया। कहते हैं कि उसको बचाने में सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव पर भी एक ज़ख्म आया जिसका निशान मुद्दतों तक बाकी रहा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि ये वाकया बयान करके सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, अल्लाह ताला बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर रहम फरमाए, मेरी ज़िरहें भी गईं और मेरे कैदी भी गए। क्योंकि उमैया को बचाने से पहले सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में कुछ ज़िरहें थीं जो उन्होंने काफ़रों से छीनी थी। उनको वो ज़मीन पर रखकर उमैया को बचाने में मसरूफ़ हो गए। बाज़ रिवायात में आता है कि जंगे बदर के रोज़ उमैया बिन खल्फ अपने लड़के अली का हाथ पकड़े खड़ा था कि सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर कहा, अब्दुर्रहमान क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? मैं तुम्हारी इन ज़िरहों से बहुत बेहतर हूँ। आज जैसा हैबतनाक मंजर तो मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। क्या तुम्हें दूध की हाजत नहीं? मतलब ये था कि जो मुझे कैद करेगा मैं उसको फ़िदिये में खूब दूध देने वाली ऊँटनियाँ दूँगा। ये सुनकर सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़िरहें फेंक दीं और दोनों बाप बेटे को गिरफ़्तार करके आगे बढ़े। रिवायात में आता है कि उमैया ने सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, तुम लोगों में वो कौन है जिसने सीने पर शुतर मुरक का पर सजा रखा है? सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, वो हमज़ा बिन अबी अब्दुल मुत्तलिब है। उमैया ने कहा, यही शख्स है जिसने हमारे अंदर तबाही मचा रखी है। सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उमैया और उसके बेटे को पकड़ कर ले जा रहा था कि अचानक बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमैया को मेरे साथ देख लिया। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उमैया के वो सारे ज़ुल्म सितम याद आ गए जो वो मक्का में उन पर ढाया करता था। चुनाचे उमैया को देखकर उन्होंने कहा, यह काफ़रों का सरगना है, अब या तो ये ज़िंदा रहेगा या मैं। मैंने कहा, बिलाल ये दोनों मेरे कैदी हैं। लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अंसार को आवाज़ दी और उन्होंने हमें कंगन की तरह घेरे में ले लिया। मैं उन दोनों का बचाव कर रहा था कि एक शख्स ने उमैया के बेटे को तलवार की एक ज़रब लगाई जिससे वो ज़मीन पर ढेर हो गया। इतने में उमैया ने इस ज़ोर से चीख मारी कि मैंने वैसी चीख कभी न सुनी थी। मैंने कहा, भाग जाओ, लेकिन आज भागने की गुंजाइश नहीं थी। बाखुदा मैं आज तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। इसके बाद अंसार ने अपनी तलवारों से उन दोनों का काम तमाम कर दिया। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम इस्लामी जहादों में मुजाहिदाना शान के साथ जहाद फरमाया। प्यारे दोस्तों, जहाँ तक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिजरत का तज़किरा है तो हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुहाजरीन में सबसे पहले हिजरत करके हमारे पास मदीना में हज़रत मसअब बिन उमैर और अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। वो दोनों लोगों को कुरान मजीद की तालीम दिया करते थे। फिर बिलाल बिन अबी रबाह, हज़रत साद और हज़रत अमार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 सहाबा कराम के साथ मदीना तशरीफ़ लाए। फिर आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उस दिन अहले मदीना की खुशी इस कदर आयाँ और बेखुद थी कि मदीना वालों को किसी दिन इससे ज़्यादा खुश नहीं देखा गया। यहाँ तक कि बच्चियों की ज़ुबान पर भी ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। दोस्तों, इस रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सहाबा कराम में से हैं जिन्होंने मदीना की तरफ हिजरत करने में पेशकदमी से काम लिया था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत फरमा ली थी।
रिवायात में आता है कि मदीना पहुंचने पर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत साद बिन खुसैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मेहमान हुए और बाद में हज़रत अबू दरिहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान खशामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मवाखात हुई। उन दोनों में नहायत शदीद मोहब्बत पैदा हो गई थी। अहद उम्र फारूक में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शामी मुहिम में शिरकत का इरादा किया तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, बिलाल तुम्हारा वजीफ़ा कौन वसूल करेगा? अर्ज़ किया, अबू रदीहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम दोनों में जो बरादराना ताल्लुक़ पैदा कर दिया है वो कभी मुनक़ता नहीं हो सकता। पर दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौज़न मुकर्रर होने का तफसीली वाक़या हम आपको पहले सुना चुके हैं। रिवायात में आता है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ नहायत बुलंद बाला और दिलकश थी। उनकी एक सदा तौहीद के मतवालों को बेचैन कर देती थी। रिवायात बताती हैं कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम मशहूर ग़ज़वात में शरीक थे। फ़तह मक्का के मौके पर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराकाब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हुए तो उस मौज़न ख़ास को ये फ़ख्र हासिल था कि ये भी साथ है। उन्हें हुक्म हुआ काबा की छत पर खड़े होकर तौहीद की पुरअज़मत सदाए तकबीर बुलंद करें। खुदा की कुदरत वो खाना काबा जो कि अबुल अनबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा वाहिद की परस्तिश के लिए तामीर किया था और मुद्दतों सनम खाना रहा था, वही खाना काबा एक बार फिर एक हबशी नयाद के नगमे तौहीद से गूंजा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जहाद और जंगी मार्कों में शिरकत के हवाले से कोई ख़ास रिवायात नहीं मिलती। अलबत्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मसनद खिलाफत पर कदम रखा तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफ़ा दोम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इजाज़त से शामी मुहिम में शिरकत की। रिवायात में आता है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 16 हिजरी में शाम का सफ़र किया तो दूसरे अफसरान फ़ौज के साथ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी मकाम जाबिया में उनको खुशामदीद कहा और बैतुल मुक़द्दस की सियाहत में हमरकाब रहे। रिवायात बताती हैं कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुल्क शाम की सरसब्ज़ शादाब ज़मीन पसंद आ गई थी, लिहाजा उन्होंने खलीफ़ा दोम से दरख्वास्त की कि उनको और उनके इस्लामी भाई हज़रत अबू रदीहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यहाँ मुस्तकिल सकूनत की इजाज़त दी जाए। ये दरख्वास्त मंजूर हुई तो उन दोनों ने कस्बा खौलान में मुस्तकिल अकामत इख्तियार कर ली और हज़रत अबू दुर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान से जो पहले यहाँ आकर आबाद हो गया था रिश्ता जोड़ने की इस्तदा की और इस्तदा करते हुए यूँ कहने लगे, हम दोनों काफिर थे, खुदा ने हमारी हिदायत की, हम ग़ुलाम थे, उसने आज़ाद कराया, हम मोहताज थे, उसने मालदार बनाया, अब हम तुम्हारे ख़ानदान से पैवस्ता होने की आरज़ू रखते हैं। अगर तुम रिश्ते अज़वाज से ये आरज़ू पूरी करोगे तो अल्लाह का शुक्र है, वरना कोई शिकायत नहीं। दोस्तों, चूंकि इस्लाम ने काले गोरे हबशी और अरबी की तफरीक मिटा दी थी लिहाजा अंसार ने नहायत खुशी के साथ उनके इस प्याम को लबैक कहा और अपनी लड़कियों से शादी कर दी। रिवायात बताती हैं कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुतअद्दिद शादियां की। उनकी बाज़ बीवियां अरब के नहायत शरीफ व मुअज़्ज़ज़ घरानों से ताल्लुक़ रखती थीं। बाज़ रिवायात बताती हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी से खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह कराया था। याद रहे कि ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं बल्कि अबू बकर बिन अब्दिया लैल हैं, लेकिन बाज़ उर्दू सीरत नगारों ने बग़ैर तहकीक के उन्हें अबू बकर का दामाद लिख दिया है और जिस तरह बहुत से वाक़यात आपसे बग़ैर तहकीक के मनसूब हैं इसी तरह इस रिवायत को भी बयान किया जाता है जिसकी असल हकीकत आपको बतला दी गई है। अगर आपके सामने भी कोई ऐसी बात कहे तो आप इसकी तसहीह ज़रूर फरमाएं। इसके अलावा बनू ज़हरा और अबू दुर्दा के ख़ानदान में भी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिश्ता मसाहरत कायम हुआ था लेकिन किसी से कोई औलाद नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, बात की जाए हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अखलाक की तो हुस्ने अखलाक ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाया फजलो कमाल को नहायत बुलंद कर दिया था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे सरदार हैं और उन्होंने सरदार बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आज़ाद किया है। प्यारे दोस्तों, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत गुज़ार हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मखसूस मकसद हयात था। हर वक्त बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बाहर तशरीफ़ ले जाते तो खादिम जानिसार की तरह हमरा होते। ईदैन व इस्तस्का के मौके पर बलम लेकर आगे आगे चलते। वाज़ो पंद की मजलिसों में साथ जाते। इफ़लास व नादारी के बावजूद उनको जो कुछ मुयसर आ जाता उसका एक हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफ़त के लिए रख छोड़ते। एक दफ़ा बरनी खजूरें जो नहायत खुश ज़ायका होती हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से पूछा, बिलाल ये कहाँ से? अर्ज़ किया, मेरे पास जो खजूरें थीं वो नहायत ख़राब किस्म की थीं क्योंकि मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करना था, इसलिए मैंने दो सा देकर ये एक सा अच्छी खजूरें हासिल की। इरशाद हुआ, उफ़।
उफ ऐसा ना करो, ये तो ऐन रबा है। अगर तुम्हें ख़रीदना था तो पहले अपनी खजूरों को फ़रोख्त करते, फिर उसकी कीमत से उसको ख़रीद लेते। प्यारे दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मक्का की ज़िंदगी में जिन इबरतनाक मजालिम और मसाइब के मुतहम्मिल हुए, इससे उनकी गैर मामूली इस्तकामत व इस्तक़लाल का बखूबी अंदाज़ा होता है कि किस तरह तवाज़ो खाकसारी उनकी फ़ितरत में दाखिल थी। लोग उनके फ़ज़ाइल व महासिन का तज़किरा करते तो फरमाते, मैं सिर्फ़ एक हबशी हूँ जो कल तक मामूली ग़ुलाम था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत सारी ऐसी बातें जो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब की जाती हैं लेकिन वो मनगढ़ंत हैं, वो जानकर आपकी काफ़ी सारी गलत फहमियाँ भी दूर हो गई होंगी और आपके इल्म में भी इजाफा हुआ होगा। दोस्तों, हमारी आज की ये कोशिश आपको कैसी लगी, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अज़ान देने का जो वाक़िया है कि जब तक हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान नहीं दी तो सुबह नहीं हुई, इस वाक़े की हकीकत का किस किस को पता था, या आज की वीडियो देखने के बाद आपकी ये गलतफहमी दूर हुई? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।